मधेपुरा जिला के घैलाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चित्ती पंचायत के बूथ संख्या 15 पर पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, जमकर हुई रोड़ेबाजी। मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारी। पत्थरघट प्रखंड में जारी है मतदान, जायजा लेने पहुंचे DM SP। तीसरे चरण के तहत सहरसा जिले में पत्थरघट प्रखंड के 11 पंचायतों में पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं DM कौशल कुमार, SP लिपि सिंह अधिकारियों के साथ सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। पत्थरघट प्रखंड में 11 पंचायतों के 175 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि पत्थरघट प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 1 बजे तक तकरीबन पत्थरघट प्रखंड में 30% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। वहीं शेष मतदाताओं से अपना मत का प्रयोग करने के लिए DM ने अपील की है। तीसरे चरण का मतदान शुरू, भागलपुर जिले के सनौला प्रखंड में हो रहा है चुनाव। भागलपुर पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर सनौला प्रखंड के 18 पंचायत के 237 मतदान केंद्रों पर मतदान का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस प्रखंड में कुल 1,27,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर गांव की सरकार को चुनेंगे। सुबह से ही मतदाताओं की कतार मतदान केंद्रों पर लग गई। मतदान केंद्र पर ज्यादा संख्या में महिला मतदाता देखी जा रही है। भागलपुर से अमरजीत सिंह के साथ JJ न्यूज की रिपोर्ट। मनोज पाठक ने कहा, अम्बेडकर के सपनों को रामविलास पासवान ने किया साकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर लोजपा ने की श्रद्धांजलि सभा। गोंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर चौधरी चरण सिंह फील्ड हॉस्टल में शुक्रवार को प्रदेश सचिव डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी के संयोजन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि लोजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाठक ने स्वर्गीय पासवान के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दलित समाज के उत्थान व समाज में उनके सम्मान को सुरक्षित करने का सपना केंद्रीय मंत्री के रूप में रामविलास पासवान ने साकार किया। मधेपुरा जिला के भेलवा पंचायत में विगत कई वर्षों से बंद पड़ा है मवेशी हॉस्पिटल, जिसका निरीक्षण वर्तमान मुखिया परमेश्वर यादव ने किया। वहां ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने कहा कि कई वर्षों से बंद पड़ा है यह मवेशी हॉस्पिटल, इस पर कोई भी प्रतिनिधि का ध्यान नहीं पड़ा। इसमें जो डॉक्टर है मवेशी हॉस्पिटल का, वह घर बैठे इसका पैसा उठा रहे हैं।